हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो है लव एस साड़ी ड्रैपिंग। बाय द वे, ये मेरी सुंदर सी साड़ी है और ये मेरा स्लीवलेस ब्लाउज है। तो चलो देरी ना करते हम करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और साइड में जो बेल है, बेल आइकन, आप उसको प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और बहुत सारे कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो देरी ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको जब आप साड़ी वेयर करते हो तो आपको अपनी साड़ी की लेंथ हमेशा चेक करनी है। बाय द वे, जो ये मेरी साड़ी है इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है, इसकी लंबाई मतलब कम है। जैसे मेरी और साड़ी है उनके अकॉर्डिंग इस साड़ी की लेंथ जो है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए इसमें जो प्लेट्स हैं वो कम ही बनेगी। तो मैंने सब अपने पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह सब पहन लिए, नीचे मैंने हील्स नहीं पहनी है, मैंने नॉर्मल जो सैंडल होते हैं वो पहने हैं। और यार सच में साड़ी को संभालना एक बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा एक राउंड लेना है, आपको पेटीकोट जिस जगह पे पहनना है, आप लो वेस्ट पहनते हो तो लो वेस्ट पहनो, हाई वेस्ट पहनते हो तो आप हाई वेस्ट पहनो, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे बॉर्डर। ये इस तरह की जो साड़ी होती है ना उनमें कैसे अलग से बॉर्डर आता है तो हमें पता चल जाता है बहुत ईजिली कि हमारे जो पल्लू की स्टार्टिंग होगी वो इस जगह से होगी, यहाँ से हमारे पल्लू की स्टार्टिंग होगी। तो मैं इसी जगह से मैं प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बाय द वे, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि प्लेट्स मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग देखो इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि यदि जब आप प्लेट्स बनाते हो तो आप पास से नहीं दिखाते। अभी आप लोग देख लो, आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि मैं किस तरीके से प्लेट्स बनाती हूँ। देख लो आप लोग, मैं कुछ इस तरीके से प्लेट्स बनाऊँगी, मैं चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाऊँगी। अब मैं छोटी प्लेट्स नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक तो इस साड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर मैं मतलब चौड़ी प्लेट्स वो छोटी प्लेट्स बनाऊँगी तो साड़ी काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगी, तो इसलिए मैं चौड़ी प्लेट्स बना रही हूँ। आप लोग देखो मैंने सारी प्लेट्स जो हैं वो चौड़ी चौड़ी ही बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब पल्लू को सेट किया अपने को, जहाँ से हमारे पल्लू की स्टार्टिंग होगी वहाँ से मैंने उसे सेट किया था। एक प्लेट्स मैंने निकाल दी थी, उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं अच्छी तरह से इसे टक कर लूँगी ताकि मेरी प्लेट्स निकले ना। आप लोग भी जब भी साड़ी को वेयर करें, जब भी आप यहाँ की प्लेट्स बनाएं तो आप लोग सेफ्टी पिन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि सेफ्टी पिन लगाने से क्या होता है ना कि जो आपकी साड़ी होती है वो एक जगह पर टिकी रहती है, जो आपकी प्लेट्स होती है वो ऐसे मतलब बार बार निकलती नहीं है, वो इस तरीके से परेशान नहीं करती है। उसके बाद आपको अपने नीचे की प्लेट सेट करनी है। पता है जो हमारी फर्स्ट वाली प्लेट होती है ना वो पीछे की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि हम जब साड़ी की तह बनाते हैं ना तो फिर वो जो हमारी फर्स्ट वाली प्लेट्स होती है वो साड़ी की तह में आ जाती है। बट कभी भी अगर आप लोग साड़ी की तह बनाएं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप साड़ी की उल्टी तह बनाएं, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ पता चली थी कहीं से, तो अब मैं भी साड़ी की उल्टी ही तह बनाती हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फर्स्ट वाली प्लेट को सेट करने के लिए। बाय द वे, एक चीज़ है कि ये जो बॉर्डर वाली साड़ी होती है ना इनके पल्लू सेट करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर का सीक्वेंस लेते हैं और फिर उस बॉर्डर के सीक्वेंस से हम लोग पूरी प्लेट्स को ड्रैप कर लेते हैं। अभी आप लोग देखो जिस तरीके से मैंने किया है ड्रैप, उस तरीके से मैंने अपनी प्लेट्स को बहुत इजीली ड्रैप कर लिया है। तो इस पता है इनकी मतलब जो ये बॉर्डर वाली साड़ी होती है उनका यही फ़ायदा होता है कि जब भी आप साड़ी को ड्रैप करते हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है कि आपके पास, क्योंकि बॉर्डर होता है साड़ी का तो ईजिली साड़ी ड्रैप हो जाती है बॉर्डर की वजह से। अभी मुझे इसमें पल्लू में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस आप लोग देखो कि पल्लू की जो लेंथ है वो प्लेट्स की ऊपर वाली की वो थोड़ी छोटी है, बट चलो कोई चीज़ नहीं क्योंकि यार साड़ी की लेंथ कम है, और अगर मैं नीचे वाली प्लेट्स को थोड़ा कम बनाती तो साड़ी में इतना लुक नहीं आता। बाय द वे, पल्लू छोटा चल जाता है बट जो नीचे की प्लेट्स है हमारी वो छोटी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, तो आप लोग बताना। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। बाय द वे, आप लोग बताना कमेंट्स करके कि आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मैंने मतलब मेरे पास काफी पुरानी रखी है, मेरी शादी के टाइम पे, तो इस साड़ी को मैंने अब रेडी करवाया। जो ब्लाउज है ये मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, इसमें फिटिंग नहीं हो रखा इसलिए थोड़ा लूज है, क्योंकि अभी मैं बुटीक पे जा नहीं रही हूँ, मेरे काफी सारे कपड़े हैं, साड़ी वगैरह है जो रेडी होने, और ब्लाउज वगैरह भी, तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बुटीक पे जाऊंगी पूरा प्रॉपर और सब में फिटिंग वगैरह डलवाऊंगी। सो गाइस चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय द वे, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है, और आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। तो चलो मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय।